गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेसन नंबर 5, द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, ग्रीनलैंड। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड, द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज, लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन ग्रीनलैंड, लास्ट मेजर सिटीज ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस। सो द पोलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर, जो पोलर रीजन्स हैं, जितने भी जो ठंडे जो एरियाज हैं, रीजन पोलर रीजन मीन जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो पोलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आपका आर्कटिक सर्किल है और यहाँ पर इक्वेटर डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में। ये सेकंड जो फर्स्ट हाफ है ये नॉर्दर्न नॉर्थ साइड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो आपका जो पोलर रीजन है कहाँ पे लोकेट है, बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ये पोलर रीजन, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। एंड द अंटार्कटिक सर्किल, ये आपका अंटार्कटिक सर्किल है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था। एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। इक्वेटर लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो आर्कटिक सर्किल और ये अंटार्कटिक सर्किल है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये पोलर रीजन्स हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिक लाइज इन द साउथ पोलर रीजन। और जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ये देखिए, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, देखिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, लाइज इन द साउथ पोलर रीजन। कहाँ पे है ये? साउथ पोलर रीजन में, साउथ में है, पोलर रीजन है ये। वेयर एज पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ये जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया यूरोप, ये जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, आर्कटिक रीजन में आता है। दीज एरियाज रिमेन एक्सट्रीमली कोल्ड, जो एरियाज हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। एंड आर कवर्ड विद स्नो एंड आइस मोस्ट ऑफ द ईयर, और पूरे साल जो है वो स्नो और आइस से कवर्ड रहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ आर्कटिक रीजन, ये आपका आर्कटिक रीजन है और ग्रीनलैंड इसी पार्ट में है। ग्रीनलैंड इज एन आइलैंड, ये एक आइलैंड है और ये आर्कटिक रीजन में है। फर्स्ट टॉपिक इज लोकेशन। ग्रीनलैंड इज एन आइलैंड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन सी द मैप, ग्रीनलैंड इज एन आइलैंड, ये एक आइलैंड है और ये लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। जो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड में, जो लार्जेस्ट आइलैंड है इज ग्रीनलैंड। एंड इट इज़ लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन द आर्कटिक एंड द अटलांटिक ओशन। देखिए, आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के बीच में लोकेटेड है ये ग्रीनलैंड। इट इज़ क्लोजर टू द नॉर्थ अमेरिका, द आइलैंड इज़ गवर्न बाई डेनमार्क। देखिए यहाँ पे डेनमार्क लिखा है, नॉर्थ अमेरिका के क्लोजर है, तो इसको गवर्न जो है, जितने भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो डेनमार्क है, डेनमार्क यहाँ पे रूल करता है। ग्रीनलैंड इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका बाय द बेफिन बे। यहाँ पे देखिए, बेफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट, इन दोनों से ग्रीनलैंड को सेपरेट कर दिया है। द नॉर्थ पोल इज़ लोकेटेड अबाउट 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द आइलैंड। नॉर्दर्न, जो नॉर्दर्न पोल है वो ग्रीनलैंड से 650 किलोमीटर की दूरी पर है, जो नॉर्दर्न टिप है इस आइलैंड से दूरी जो है। द वाटर बॉडीज डेट बॉर्डर द आइलैंड्स, और जो वाटर बॉडीज़ हैं, देखिए दीज आर द वाटर बॉडीज डेट बॉर्डर द आइलैंड, फर्स्ट वाटर बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडस्केप। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इज परमानेंटली कवर्ड विद आइस एंड समटाइम लार्ज पीसेज ऑफ आइस रिफ्ट ऑफ एंड फ्लोट इन द सी। सच ह्यूज पीसेज ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। ये जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, ये परमानेंटली जो स्नो से, आइस से कवर्ड रहता है, और जो लार्ज बड़े बड़े पीसेज होते हैं जो आइस के रिफ्ट ऑफ हो जाते हैं, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और पानी में वो फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। सच ह्यूज पीसेज ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग्स, उसको हम आइसबर्ग्स बोलते हैं जो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और वो पानी में फ्लोट करने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, आइसबर्ग्स कैन बी ह्यूज एंड मेनेंस फॉर शिप्स एंड सेलर्स बिकॉज दे आर ऑफन नॉट विजिबल इन फॉगी वेदर। देखिए इस पिक्चर में, देखिए ये आइसबर्ग है, इसमें क्रैक पड़ जाते हैं और ये कभी कभी क्या होता है, ये शिप्स और सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेनेंस मीन्स खतरे का कारण बन जाते हैं,
क्योंकि ये फॉगी, जब वेदर बहुत ज़्यादा फॉगी होता है तो ये हमें दिखते नहीं है, और जो इसका जो मेजर पार्ट होता है, जो लार्ज पार्ट होता है आइसबर्ग का, वो पानी के अंदर होता है, जो उसको हम इजीली नहीं देख सकते हैं, उसका हम जो साइज़ है वो नहीं पता कर सकते हैं कि पानी के अंदर कितना है। तो ये खतरे का कारण हो सकता बन जाता है कभी कभी शिप्स के लिए होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग ग्रीनलैंड। इरिक द रेड वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड ग्रीनलैंड। ही स्पेंड 3 ईयर्स एक्सप्लोरिंग द आइलैंड। इट वॉज ही हु गेव द आइलैंड इट्स नेम। ये इरिक द रेड, ये एक यूरोपियन है, फर्स्ट यूरोपियन इरिक द रेड, ये नेम है, एक यूरोपियन है जो पहली बार ग्रीनलैंड में, जो पहला यूरोपियन है जो ग्रीनलैंड आया, और उसने यहाँ पर 3 साल खोज की इस ग्रीनलैंड की। 3 साल वो यहाँ पे रहा, उसने इस ग्रीनलैंड के बारे में उसने एक्सप्लोर किया, खोज किया उसने। इट वाज ही हु गेव द इट्स नेम, और उसने ही इसको नेम दिया ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट आइलैंड जो पूरे वर्ल्ड का ही लार्जेस्ट आइलैंड है, लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, ये ग्रीनलैंड नाम कैसे पड़ा? ये पोर्टुगीज एक यूरोपियन सेलर था जो यहाँ पर आया, और 3 साल उसने यहाँ पर रुका, और उसने यहाँ पर खोज किया, और उसने उसके बाद इसको ये नाम ग्रीनलैंड दिया। एंड द ओरिजिनल नेम बाई विच द इन्यूट्स, और यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है जिनको हम इन्यूट्स बोलते हैं, जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो लोग हैं यहाँ के, उनको हम इन्यूट्स बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इसको ग्रीनलैंड जो है वो उसको कलालिट एंड नुनाट के नाम से जानते हैं, मीनिंग द लैंड ऑफ पीपल। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। द सन नेवर शाइन्स डायरेक्टली ऑन दिस रीजन, सो द आइलैंड इज फॉर एवर सराउंडेड बाई स्नो एंड आइस एंड इज अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। एज यू नो, ये जो ग्रीनलैंड है, जो आइलैंड है, वो आर्टिक रीजन में है। सो द सन नेवर शाइन्स डायरेक्टली ऑन दिस रीजन, तो यहाँ पे जो सन की जो लाइट होती है वो डायरेक्टली नहीं पड़ पाती है इस रीजन पे। सो द आइलैंड इज़ फॉर एवर सराउंडेड बाई स्नो एंड आइस, तो जहाँ जहाँ पे डायरेक्टली सन की हीट नहीं पड़ पाती है, तो ये जो आइलैंड है ये हमेशा जो है वो स्नो और आइस से कवर्ड रहता है, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन ग्रीनलैंड वॉज 70 डिग्री, जो यहाँ का जो लोएस्ट टेम्परेचर है ग्रीनलैंड का जो रिकॉर्ड किया गया है वो 70 डिग्री है एट द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द आइलैंड। जो उसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है आइलैंड की, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री, -70 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में टेम्परेचर है। ड्यूरिंग विंटर द सन नेवर डज नॉट राइड अबव द हॉरिजन फॉर मोर देन फ्यू आर्ट्स, बहुत घंटों तक विंटर्स में क्या होता है, सन जो है वो नहीं राइज होता है, नहीं निकलता है सूरज, और वो बहुत सारे हफ्तों तक इनविजिबल रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, दिस आइलैंड एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है, लैंड ऑफ स्नो है, सन जो लाइट है वो ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो आइलैंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल भी होता है। समर्स में क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है बिटवीन 0 to 10 degree Celsius टेम्परेचर होता है, एंड द सन डज नॉट सेट फॉर सेवलर वीक्स, और बहुत वीक्स तक जो यहाँ पर सन है वो सेट नहीं होता है, बट इट इज़ विजिबल अक्रॉस द हॉरिजन। नियर द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड द वेदर रिमेन्स ब्राइट एंड सनी ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में यहाँ का जो मौसम है वो सनी, धूप भी निकलती है और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होता है यहाँ का मौसम। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। ग्रीनलैंड इज़ फॉर एवर अंडर द कवर ऑफ आइस, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कल्टिवेट क्रॉप्स। जो ग्रीनलैंड है वो जो हमेशा जो है वहाँ पे स्नो से कवर्ड है वहाँ पर, तो यहाँ पे जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज़ नॉट ईजी प्रोसेस। यहाँ पे हम जो फसलें हैं उनको हम यहाँ पर नहीं ग्रो कर सकते हैं। बुशेज, मॉसेज, लाइकन्स एंड ग्रासेस आर द ओनली वेजिटेशन फाउंड इन ग्रीनलैंड। ये सारे जितने भी हैं, बस बुशेज जैसे झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, या मॉसेज होती है, काई, लाइकन्स, ये टाइनी प्लांट्स होते हैं, डेट लुक्स लाइक ग्रास, ग्रास की तरह लगते हैं, घास की तरह, एंड द ग्रासेज आर द ओनली वेजिटेशन फाउंड इन ग्रीनलैंड। बस यही सारे जो घास फूस होती है, बुशेज होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, बस यही यहाँ ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ स्नो एंड आइस। इन समर एंड स्प्रिंग सम फ्लावर्स ब्लूम। समर और स्प्रिंग सीजन जो होता है वहाँ पे कुछ फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे क्या है, जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ कैसी है। बोथ लैंड एंड वाटर एनिमल्स इन इज ग्रीनलैंड हैज़ अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द आइलैंड। यहाँ के जो लैंड और जो वाटर एनिमल्स हैं उन जो वहाँ पे जो क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, उन्होंने उनको अपनी उसकी तरह अडेप्ट कर लिया, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को
अडेप्ट कर लिया है, मतलब वो उनके लिए क्लाइमेट ही अनुकूल क्लाइमेट है, अडेप्ट कर लिया उन्होंने उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जितने भी वहाँ के लैंड और वाटर एनिमल्स हैं। द पोलर बियर इज़ द बिगेस्ट प्रीडेटर हेयर, और यहाँ का जो सबसे बड़ा जो जानवर है प्रीडेटर, जो दरिंदा है, वो है पोलर बियर। ये पोलर बियर जो है ज़्यादातर ऐसे ही एरियाज में पाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ग्रीनलैंड में जो बिगेस्ट प्रीडेटर है वो है पोलर बियर। अदर एनिमल्स फाउंड हेयर आर द मस्क ऑक्स, वॉलरस, नरवाल, आर्टिक वॉल्फ एंड द रेंडियर। और जो बाकी सारे ये एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। मस्क ऑक्स है, ये बैल है, एक तरीके का कस्तूरी बैल बोलते हैं हम इसको। वॉलरस है, नरवाल है, ये एक तरीके की वेल है, एंड आर्टिक वुल्फ एंड रेंडियर। रेंडियर जो होता है वो हिरन, उसके जो 12 सींग होते हैं वो रेंडियर होते हैं। ये सारे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। वुल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड हस्कीज ऑल्सो फाउंड हेयर, और यहाँ पे जो भेड़िया होते हैं हस्कीज, और ये डॉग की शक्ल के लगते हैं दिखने में। द लोकल पीपल यूज दीज डॉग्स फॉर हंटिंग, यहाँ के जो लोकल पीपल हैं इन्यूट्स हैं, वो इन डॉग्स को हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, शिकार करते हैं इससे, एंड टू पुल स्लेजेस, और जो है इसको स्लेजेस जो हैं वो स्लेजेस के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ का एक फैंटेस्टिक फैक्टर है, एट द सेंटर ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो सेंटर है, द आइस कवर कैन बी अप टू 3 किलोमीटर थिक। तो यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, यहाँ पूरा जो पूरे साल जो है यहाँ पे बर्फ और आइस स्नो जमी रहती है, तो यहाँ जो आइस है वो 3 किलोमीटर थिक है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे इतनी ज़्यादा आइस है, इतनी ज़्यादा, तभी वहाँ पे ठंड पड़ती है कि वीकली वहाँ पे सनसेट सूरज नहीं दिखता है, बहुत घंटों तक हमें सनराइज़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आइस है उसकी जो थिकनेस है, कितनी मोटाई है, 3 किलोमीटर तक वो थिक है वहाँ की जो आइस है। एंड इफ़ दिस आइस वर टू मेल्ट, अगर वो आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं पिघलते हैं, आइस जब पिघलती है प्लेन्स की तरफ आती है, तभी ये सारी रिवर्स फॉर्म होती हैं, उसके बाद ये सारी लार्ज वाटर बॉडीज़ में जाती हैं। तो ऐसे ही जो ग्रीनलैंड है, जो उसकी आइस है वो 3 किलोमीटर थिक है। 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हुआ, इतना मोटी लेयर है उस आइलैंड पर आइस की। और अगर वो आइस जो पिघलता है, द वर्ल्ड्स ओशन वुड राइज बाई 7 मीटर्स, जो ओशंस हैं जितने 5 हमारे ओशंस हैं जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर ये जो आइस है ये पिघलती है, जो ग्रीनलैंड की जो 3 किलोमीटर थिक आइस है अगर ये पिघलती है, तो जो ओशंस हैं वो उसका जो पानी है वो राइस कर जाएगा 7 मीटर तक पानी राइस कर जाएगा। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है और इतनी ज़्यादा वहाँ पर आइस है। टॉपिक इज लाइफ ऑफ द पीपल, द इन्यूट्स आर द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं, इन्हेबिटेंट्स मीन्स वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको हम बोलते हैं इन्यूट्स। दे माइग्रेटेड टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका अबाउट 1000 ईयर्स अगो, 1000 साल पहले ये यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से यहाँ ग्रीनलैंड में आए थे। जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन टुडे इज मेड अप ऑफ इन्यूट्स, जो वहाँ की 80% जो पॉपुलेशन है वो इन्यूट्स से ही बनी है। दे आर शॉर्ट स्टैचर्ड पीपल विद लाइट ब्राउन स्किन, फ्लैट फेसेस, हैविंग हाई चीक बोन्स एंड नैरो ब्लैक आईज, वो बहुत छोटी हाइट के होते हैं, फ्लैट फेसेस, जो पहाड़ी लोग होते हैं जैसे फ्लैट फेस होते हैं उनके फ्लैट फेसेस होते हैं, चीक्स बोन्स होती हैं, एंड नैरो ब्लैक आइज। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोथ दे वेयर, द पीपल हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द इंटेंस कोल्ड वेदर हेयर, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ का वेदर जो होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम द कोल्ड, वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, पीपल वेयर्स क्लोथ मेड अप ऑफ एनिमल स्किन एंड फर, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वो एनिमल स्किन से बने हुए कपड़े और उसके जो फर से बनते हैं कपड़े वो उससे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दे वेयर स्पेशल जैकेट्स विद हुड नोन एज पार्कर्स, पार्कर्स यहाँ पर जो पार्कर्स है वो है स्पेशल जैकेट्स हैं जिसमें हुड लगा होता है पीछे, और वो जो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो ये जैकेट्स को पहनते हैं जिसको हम पार्कर्स भी बोलते हैं। दे वेयर ट्राउजर्स, लेगिंग, सॉक्स एंड हाई बूट्स मेड अप ऑफ सील स्किन, जो सील स्किन होती है, फिश है, इसकी स्किन से बनती हैं ये बूट्स बनते हैं, लेगिंग्स बनती हैं, सॉक्स बनते हैं, जो उनको ठंड के मौसम में आराम देते हैं, जो उनकी ठंड को ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं वो खुद को इन सारी चीज़ों को वेयर करके। पैकेज व्हाट दे ईट, वो क्या खाना खाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग हेयर आर मीट ईटर्स, यहाँ पे क्या होता है, द आर्टिक ओशन इज द मेन सोर्स फॉर फूड फॉर द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग हेयर आर मीट ईटर्स, यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो मीट ईटर्स होते हैं, हु लिव ऑन मीट ऑफ व्हेल, वो व्हेल का मीट खाते हैं, सील, सैल्मन, ये सारी फिशेस के नेम हैं, एंड अदर सी फूड
और बहुत सारे वहाँ के जो सी फूड हैं डैट इज़ इजीली अवेलेबल टू दैम, क्योंकि वहाँ का कोल्ड वेदर है, कोई वेजिटेशन नहीं है वहाँ पे, कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं, तो उनको इजीली वहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के जो लोग हैं वो मीट ईटर्स होते हैं, ज़्यादातर मीट पे ही डिपेंड होते हैं वो, और वेल सैलमन जो और सी फूड वही जो वहाँ पे अवेलेबल होता है वो सारी चीज़ें खाते हैं। दे ऑल्सो हंट फॉर एनिमल्स ऑन लैंड फॉर फूड फ्यूल एंड स्किन, और वो एनिमल्स का शिकार करते हैं फूड के लिए, फ्यूल के लिए और उसकी स्किन के लिए, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्लियर दे यूज़ बोज एंड हारपून्स टू हंट, और वो पहले क्या करते थे वो लोग जब शिकार करते थे तो वो उसको बोज और हारपून्स का यूज़ करते थे, मीन्स धनुष और तीर का यूज़ करते थे वो उनको हंट करने के लिए, बट नाउ अ डेज दे कैन ईजिली बाय गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन अब क्या है वो मार्केट में उनको अवेलेबल है तो वो ईजिली मार्केट से ख़रीद कर वो उसको खा सकते हैं। इस हाउसेज ऑफ इन्यूट्स, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इन्यूट्स हैं, उनके घर कैसे होते हैं। इन द पास इन्यूट्स लेड अ नोमैडिक लाइफ, वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक मीन्स होता है कि उनकी कोई भी परमानेंट प्लेस नहीं थी, वो नोमैडिक मीन्स बंजारों की तरह ज़िंदगी जीते थे, कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से शिफ्ट करते रहते थे अपनी प्लेसेस को। तो पहले जो लोग थे वो नोमैडिक लाइफ लेते थे, उनका कोई परमानेंट घर नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। दे यूज़ टू रोम अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो इधर से उधर घूमते रहते थे अपना शेल्टर, घर रहने के घर के लिए और फूड के लिए वो जगह अलग अलग जगह चेंज करते रहते थे। ड्यूरिंग दोज डेज दे यूज़ टू लिव इन टेम्परेरी हाउसेज में रहते थे, विच वर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, जो आइस के ब्लॉक्स के बने होते थे, सच हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, जिसको हम इग्लूज भी बोलते हैं। इग्लूज मीन्स हाउस ऑफ स्नो, वो ब्लॉक्स होते थे हाउस के, उससे बने होते थे, तो वो वहाँ पर रहते थे, उनका कोई भी परमानेंट हाउस नहीं था, टेम्परेरी हाउसेस थे, वो कहीं पर भी चले जाते थे, जहाँ भी उन्हें खाने के लिए और रहने के लिए मिलता था वो वहीं पर ही चले जाते थे। तो नोमैड बट नाउ इन रीसेंट ईयर पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग ऑन अ सेटल्ड लाइफ, लेकिन अब क्या है वहाँ पर, ये पहले होता था ऐसा कि लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब यहाँ काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, वहाँ के लोगों ने एक अच्छी जो ज़िंदगी है, सेटल्ड लाइफ है, वो जीना शुरू कर दिया है। दे हैव बिल्ट परमानेंट हाउसेज, उन्होंने अपने परमानेंट घर बना दिए हैं, मेड अप ऑफ वुड और स्टोन्स, जो लकड़ी के और जो पत्थरों के बने हैं, लोगों ने अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द, और ज़्यादातर जो वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो शिफ्ट हो गए हैं टाउन्स और सिटीज़ में फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज एजुकेशन, वो टाउन्स में इसलिए शिफ्ट हो गए हैं शहरों में, ताकि वो एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इन सब के लिए वो टाउन्स एरिया में और सिटीज़ में शिफ्ट हो गए हैं। मैनी ऑफ नर्स हैव अडॉप्टेड यूरोपियन वैल्यूज़ एंड वेज ऑफ लाइफ, और जो ग्रीनलैंडर्स वहाँ पे रहने वाले लोग, जो आज के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने यूरोपियन वैल्यूज़ को और उनकी तरह जीना भी अब सीख लिया है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के नो क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अब ग्रीनलैंड इज फॉर एवर अंडर द कवर ऑफ आइस एंड समर इज शॉर्ट, जो ग्रीनलैंड है वो पूरे जो पूरा जो हमेशा जो है वो आइस से ही कवर्ड रहता है। द समर इज़ शॉर्ट, नो क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, इसलिए वहाँ पे कोई क्रॉप भी ग्रो नहीं करती है। द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और इसलिए यहाँ पे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो इम्पोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्रीज से, क्योंकि यहाँ तो कोई क्रॉप ग्रो ही करती नहीं है। और यहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो पीपल हंट एंड फिश फॉर फूड, फिशिंग एंड फिश प्रोसेसिंग इज़ द मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड, और यहाँ की जो मेन जो इंडस्ट्री है वो फिशिंग और फिश प्रोसेसिंग है, यही यहाँ का जो मेन इंडस्ट्री है। फिश ईटर्स हैं वहाँ के लोग, और फिश प्रोसेसिंग जो होता है यहाँ की जो मेन इंडस्ट्री है ग्रीनलैंड, शिकार करते हैं मछली का जितना भी है वहाँ पे और उसको खाने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फिशिंग एंड फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ही हैं यहाँ पर। टॉपिक इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अर्लियर इन्यूट्स यूज सिंगल पैसेंजर सी रिस्किन बोट्स कॉल कायक्स, कायक्स ये एक तरीके की बोट है जो पहले यूज़ करते थे इन्यूट्स, वहाँ के रहने वाले लोग जो थे वो उसको यूज़ करते थे। कायक्स जो हैं वो बोट्स हैं जो सील स्किन की बनी हुई होती थी, वो उसको यूज़ करते थे। नाउ मोटर बोट्स एंड फेरीज आर मोस्ट कॉमनली यूज, लेकिन अब वहाँ पे मोटर बोट्स और फेरीज ये सब जो बोट्स हैं इस तरीके की बोट्स यूज़ होने लगी हैं। नाउ विद ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी सम एयरशिप्स एंड एयरपोर्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, हमारी इकोनॉमी वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ हुई, तो वहाँ पे एयरपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हो गया है।
एंड ग्रीनलैंड ऑल्सो हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ग्रीनलैंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम कहीं भी जा सकते हैं। एंड रेल इज़ यूज वेरी लिमिटेड, और वहाँ पे जो रेल सिस्टम है वो बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता है, वहाँ का रेल सिस्टम जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। पहले वहाँ पे डॉग स्लेजेस होते थे, डॉग को उसमें डॉग होते थे, स्लेजेस पीछे गाड़ी होती थी, उसमें पहिए लगे होते थे, जो बर्फ़ में जो गाड़ी चलती है तो डॉग स्लेजेस था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन अब जो है डॉग स्लेजेस को किसने रिप्लेस कर दिया है, मोटराइज्ड स्लेजेस, मतलब अब जो ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं उसमें वहाँ पर बर्फ़ में जिसमें मोटर फिट होता है। लास्ट टॉपिक इज मेजर सिटीज़। नुक द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज़ द बिगेस्ट टाउन विथ 15,500 पीपल रिसाइडिंग हेयर। देयर आर नो बिग सिटीज़ इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में कोई भी बड़ी सिटी नहीं है। एंड नुक द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का कैपिटल है नुक, इज़ द बिगेस्ट टाउन विथ 15,500 पीपल रिसाइडिंग हेयर। यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, 15,500 लोग यहाँ पर रहते हैं। नुक ग्रीनलैंडर्स स्पीक ग्रीनलैंडिक, यहाँ की जो लैंग्वेज है ग्रीनलैंडर्स की वो ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज है। एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो कॉमनली स्पोकन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और अक्रॉस द आइलैंड, और जो इंग्लिश है वो कॉमनली यूज़ होता है यहाँ पर इसमें, बाकी जो वहाँ के लोग हैं वो ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज ही बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, गो थ्रू एंड रिवाइज इट। आई विल प्रोवाइड द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर।